Hello children, now in this video we will talk about chemical reactions of diazonium salt. Diazonium salt की chemical reactions बहुत important हैं और इनको हम दो तरह से categorize कर सकते हैं. Category number one जो है, it involves the reactions which involve displacement ऑफ नाइट्रोजन. यानी डाइजोनियम सॉल्ट में जो नाइट्रोजन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, यानी उसकी जगह कोई और ले लेता है. सो नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो यूजुअली जब नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा तो डाइजोनियम सॉल्ट की इन रिएक्शंस के अंदर जो है आइडेंटिटी ही बदल जाती है. वो डाइजोनियम सॉल्ट से कुछ और कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड देन सेकेंड क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप. ये जस्ट अपोजिट हैं दोनों, रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप. सो इन रिएक्शंस में नाइट्रोजन नहीं रिलीज होता और वो मॉलिक्यूल में बना रहता है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी द टाइप ए रिएक्शंस इन वेरी डिटेल. सो द फर्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स इन विच नाइट्रोजन ग्रुप और यू कैन से नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड और यू कैन से इट इज सब्स्टिट्यूटेड. सब्स्टिट्यूटेड मतलब इसकी जगह पर कोई और आ जाएगा और इसकी जगह ले लेगा. सो इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ग्रुप्स. इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप्स लाइक मे बी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड और साइनो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो वी विल सी द रिएक्शंस. पहली रिएक्शन है इस कैटेगरी में जहां पर नाइट्रोजन हट जाएगा. फर्स्ट रिएक्शन अंडर दिस इज रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन. ये ऑलरेडी आप हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स में रिएक्शन पढ़ चुके हैं. देखिए एनसीईआरटी में इसको लिखा है ऐसे, ArN2+X-. ये जनरल फॉर्मूला है एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट का, जहां पर Ar की जगह आप C6H5 एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, अगर इस डाइजोनियम सॉल्ट में हम Cu2Cl2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा ArCl+N2 गैस विल बी रिलीज्ड. ठीक है, ये यानी कि अगर ये C6H5 होता Ar तो यहां आपने क्लोरोबेंजीन बना लिया होता. ठीक है, आप इसे Ar की जगह C6H5 लिखकर ही ये रिएक्शन लिखें. ये एनसीईआरटी में इस फॉर्म में लिखी है इसलिए मैंने भी ऐसी ही लिखी है. मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक रिएक्शन लिख के बता दूंगी. इसके बाद अगर आप Cu2Cl2 ना डालकर इस रिएक्टेंट में Cu2Br2 डालते हैं और साथ में रिएजेंट लेते हैं HBr, तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा. ठीक है, और नाइट्रोजन गैस विल बी अगेन रिलीज्ड. इसी रिएक्शन में अगर आप CuCn डालते हैं इन और KCn, कुछ भी ले सकते हैं, CuCn और KCn दोनों की ही प्रेजेंस में, दोनों में से कोई एक ले ले, ऐसे ही ऊपर भी इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, तो आप जो है साइनोबेंजीन बना देंगे. यहां पर एक चीज मिसिंग है एनसीईआरटी में अमाइंस चैप्टर में, जिसके बारे में एक नोट लिखा हुआ था हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में, कि अगर आप CuCn लेंगे तो साइनोबेंजीन बनेगा, लेकिन अगर इसी रिएक्टेंट को आप AgCn से रिएक्ट करा दें तो आपको जो है आइसोसाइनोबेंजीन बन जाएगा. दिस विल बी NC ग्रुप एडेड, क्योंकि जो है CuCn आपको साइनो ग्रुप देता है और AgCn आइसोसाइनो ग्रुप देता है. राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं दोनों की दोनों.
ये अभी हमने स्केलेटन फॉर्म में लिखी है क्योंकि हमने AR स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर हम AR स्पेसिफाई करते हैं तो ये एग्जाम्पल रिएक्शंस बन जाएंगी। अब यहां ध्यान दें कि ये जो रिएक्शंस लिखी हुई हैं ये कौन से रिएक्शन है। हेलो एल्केन हेलो एरीन में आपने सैंडमियर्स रिएक्शन पढ़ी थी, ये सैंडमियर्स रिएक्शन है, राइट? ये सैंडमियर्स रिएक्शन है। सो बेसिकली आपने देखा कि क्लोरीन और बेंजीन, सॉरी क्लोरीन और ब्रोमीन को आप बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और जो है इनके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स बना सकते हैं क्लोरोब्रोमो या साइनो आइसोसाइनो, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि ये रिएक्शन थी, ये चारों रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन जो है, ये जो नाइट्रोजन था डायजोनियम सॉल्ट का नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन ब्रोमीन और साइनाइड, आप ऐड कर ले आइसोसाइनाइड, ठीक है। सो इतना हो गया है। अभी आयोडीन से रिएक्शन मैंने नहीं बताई है, मैं इसी में आयोडीन की रिएक्शन भी आप ऐड कर लें, ठीक है। ये देखिए अगर हम इसे KI से रिएक्ट करा देते, ये भी आपने सैंडमियर्स रिएक्शन में पढ़ा था कि KI से रिएक्शन कराने पर यहां पर फिर से वही प्रोसेस होती है और आपको आइडो कंपाउंड बन जाता है, नाइट्रोजन गैस इज अगेन रिलीज्ड, और यू कैन से नाइट्रोजन इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ गैस इन ऑल दीज रिएक्शंस। अब इनके अगर एग्जाम्पल रिएक्शंस लिखने हो, ये हमने डायजोनियम सॉल्ट की 5 रिएक्शन लिख ली हैं जिन सब में नाइट्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। अब इन्हीं में से कोई से भी एक लेकर हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। मान ले हम AR की जगह C6H5 दैट इज फेनाइल ग्रुप ले लेते हैं और इस पर लगा हुआ है N2+X-। सो दिस इज योर बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। इसमें मैं आपको क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन समझा देती हूँ। तो अगर आपने Cu2Cl2 लिया हुआ है या HCl साथ में, तो आप क्या बना लेंगे? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन एंड N2 विल बी रिलीज्ड। तो आप इस तरह से इन पांचों रिएक्शन को लिख सकते हैं AR की जगह C6H5 लिखकर। सो इन 5 रिएक्शंस में आपने देखा कि नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड। इनके अलावा भी रिएक्शंस हैं, ध्यान दें ये शुरू की जो दो थी साथ में KI वाली रिएक्शन, ये सैंडमियर्स रिएक्शन के अंतर्गत आती है। आपने इनको हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी पढ़ा हुआ है। कौन सी? एक ये, दूसरी और ये तीसरी। अगर आप हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला सेक्शन रेफर करेंगे जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, NCERT पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन, ठीक है, सीक्वेंस में दैट इज 10th चैप्टर, तो वहां पर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि दिस इज सैंडमियर्स रिएक्शन, ठीक है। ये सैंडमियर रिएक्शन थी। अब जो है इसी को, इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हैं और यहां हम देखेंगे अगली जो रिएक्शन है दैट इज अगेन रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड दैट इज कॉल्ड एज गटरमैन रिएक्शन। देखिए गटरमैन कोच हमने पढ़ी थी बट वो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की रिएक्शन थी, है ना, और यहां पर सिर्फ गटरमैन है, इट्स नॉट गटरमैन कोच, सो डोंट कंफ्यूज द टू, इट्स ओनली गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन इज फॉर योर डायजोनियम कंपाउंड। व्हेन दिस रिएक्ट्स विद कॉपर इन HCl देन अगेन विद दिस मेथड ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड एंड दिस कॉपर विल टेक अवे दिस हैलोजन फ्रॉम हियर एंड यू विल गेट CuX एज अ बाय प्रोडक्ट। सो दिस इज वन मोर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसी से आप ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो विद द सेम रिएक्शन। अगर हम यहां HCl की जगह HBr ले लें तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा ArBr प्लस N2 और साथ में ये CuX की बजाय फिर से वही CuX बन जाएगा। इस X की जगह आप जो चाहें क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं, तो अगर आप क्लोरीन लेते हैं तो CuCl, Br लेते हैं तो CuBr बना देंगे। सो दीज टू रिएक्शन आर कॉल्ड एज गटरमैन रिएक्शन। सो अभी नाइट्रोजन के रिप्लेसमेंट की रिएक्शंस खत्म नहीं हुई हैं। फिर भी हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ ली? 5 ऊपर और ये 2, टोटल 7 रिएक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, राइट? इसके बाद भी कुछ बाकी हैं। अब आप ध्यान से नोट करें, आपने जो है डायजोनियम सॉल्ट से
क्लोरो कंपाउंड बना लिया, ब्रोमो बना लिया, आइडो बना लिया, साइनो बना लिया, आइसो साइनो बना लिया, ठीक है, यहां भी क्लोरो ब्रोमो बना लिए, मगर अभी तक फ्लोरो कंपाउंड नहीं बना, यानी क्लोरो बेंजीन बना, ब्रोमो बेंजीन बना, आयोडो बेंजीन बना, हैलोजन्स चार होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन आयोडो कंपाउंड नहीं बना। अब अगली रिएक्शन में हम आयोडो कंपाउंड बनाएंगे। नाउ द एट्थ रिएक्शन इन द सीक्वेंस, यहां पर आपको सिर्फ रिएजेंट्स याद करने हैं, रिएक्शंस बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। सो नाउ यू सी, अब हम फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन देखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल दैट इज अ नेम रिएक्शन, सो यू कैन नोट इट डाउन। नाउ वी विल सी आयोडीन से एन टू का रिप्लेसमेंट। सो द स्टार्टिंग मटेरियल इज एज यूजुअल योर डायजोनियम सॉल्ट। व्हेन यू सॉरी आयोडीन इज ऑलरेडी डन, नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, and this is a very important name reaction that is called as Ball-Schemann reaction. So when it reacts with HBF4, what is HBF4? This is called as fluoroboric acid. Iska naam kya hai? Iska naam hai fluoroboric acid. So when diazonium salt reacts with fluoroboric acid, dekhen ek intermediate product banta hai. Yahan par kya hota hai ki ये सारे के सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। कैसे? देखो यहां पर इसके पार्ट्स हो सकते हैं H प्लस BF4-, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि जब ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं तो ये माइनस का इसका माइनस वाला पार्ट इसके प्लस वाले के साथ चला जाएगा और HCl बना लेगा, दिख रहा है साफ साफ, साथ में इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, सो दिस विल बी ArN2+BF4-, ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। इस एडिशन प्रोडक्ट को अगर हम हीट कर देते हैं, राइट, सो ऑन हीटिंग यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन एंड रिलीज ऑफ BF3 मॉलिक्यूल एंड साइमल्टेनियसली नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस इज ऑल्सो रिलीज। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज बाल्स शीमन नेम रिएक्शन। ऑल्दो दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट दोज हु प्रिपेयर फॉर द नेम रिएक्शन, फॉर देम दिस कैन बी हेल्पफुल। नाउ आफ्टर दिस वी विल सी दैट हाउ नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोजन, सो दैट रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहां पर हम बेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर मैं आपको दो रिएक्शंस बताऊंगी, आप ध्यान से देखें। अगर आपका डायजोनियम कंपाउंड H3PO2 से रिएक्ट करता है, व्हाट इज H3PO2? H3PO2 इज द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, जिसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या होता है? हाइपो फॉस्फोरस एसिड, ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फिनिक एसिड, इसका और एक नाम है एंड दैट इज फॉस्फिनिक एसिड। सो इससे रिएक्ट करता है, या फिर अगली रिएक्शन हम इथेनॉल से देखेंगे। दोनों ही केस में जो है डायजोनियम कंपाउंड क्या बना देता है? बेंजीन बना देता है। यहां साथ में वॉटर की प्रेजेंस रखना है, तो ये जो आपका रिएजेंट है ये मिल करके जो है यहां पर एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा और ARH, दिस विल बी द प्रोडक्ट। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये बेंजीन बना, एंड साथ में नाइट्रोजन रिलीज हुआ और एडिशनल प्रोडक्ट में जो है आपको मिलेंगे H3PO3, अगेन दिस इज द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, और साथ में मिलेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl। राइट, नाउ यू सी आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। अगर हम AR की जगह C6H5 ले लेते हैं, यानी आपने फिनाइल ग्रुप ले लिया है, और इसकी रिएक्शन सेम लिखते हैं जैसे ऊपर लिखी हुई है, ये स्केलेटन था, इसका एग्जाम्पल बना दिया मैंने, तो ये C6H5 को आपने एक हाइड्रोजन पकड़ा देना है, तो C6H5H का मतलब क्या हुआ? दिस इज C6H6 माने बेंजीन,
राइट. सो बेंजीन की फॉर्मेशन है. सो इफ एनीबडी आस्क यू हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम डायजोनियम कंपाउंड, ये इसका जवाब हो सकता है. एक मेथड ये है. और एक और मेथड है, ये पहला मेथड था फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम डायजोनियम कंपाउंड. दूसरा मेथड देखें, दूसरे मेथड में आप क्या कर सकते हैं, अल्कोहल से रिएक्शन करा सकते हैं. यानी कि फास्फोरस एसिड और वाटर की प्लेस में आप क्या ले लें, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का ले लें. मैंने इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है. सो दिस विल ऑल्सो बी गिविंग वन हाइड्रोजन लाइक दिस. और सेम आपको जो है यहां पर क्या बन जाएगा, आपने यहां ए आर लिखा है तो मैं यहां पर भी ए आर ही लिखें, ठीक है. साथ में फिर से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और एक मॉलिक्यूल यहां एल्डिहाइड का भी बनता है, तो CH3CHO+HCl. सो इन दीज रिएक्शंस इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न द कंप्लीट रिएक्शन, यू हैव टू ऑलवेज मेंशन एंड नोट दैट द मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. क्योंकि ये हाफ मार्क में कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आता है. अगर आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, बैक साइड एक्सरसाइज, तो क्वेश्चन है 13.9 जो क्वेश्चन है वो आपसे पूरा हो जाएगा अगर आप ये सारी रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं. और वहां पर आपको सिर्फ एबीसी के फॉर्म में आंसर पूछा है, तो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही लिखना होता है. बट आप ट्राई करें कि आप सारे बाय प्रोडक्ट भी याद कर सकें. नाउ दिस इज व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. दो मेथड्स बताए मैंने आपको. अगला देखते हैं, अगला है रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल माने OH से रिप्लेसमेंट करना है. तो अब आप देखें, अगर आपने ArN2+Cl- लिया और इसमें वाटर ऐड कर दिया तो आप फिनोल की प्रिपरेशन कर सकते हैं. इट विल बी ArOH. Ar मतलब अगेन दैट इज C6H5, है ना. C6H5OH क्या होता है, फिनोल होता है. तो ये फिनोल की प्रिपरेशन है, साथ में N2 विल बी रिलीज्ड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl. सो ये स्केलेटन था. अगर इसकी एग्जाम्पल रिएक्शन लिखना है तो कुछ ना करें, Ar की जगह फिनाइल ग्रुप ले लें N2+Cl- और साथ में वाटर ऐड करें, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखो फिनॉल बन गया, नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड HCl. तो मैंने एग्जाम्पल रिएक्शन भी आपके लिए लिख दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में ये रिएक्शन इस फॉर्म में दिए हुए हैं, इस फॉर्म में दिए. उनको एग्जाम्पल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें खुद के लिए, बहुत ईजी होगा. अब नाइट्रो ग्रुप के रिप्लेसमेंट की लास्ट रिएक्शन है, एंड दैट इज रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप. इस रिएक्शन में देखेंगे आपके बाल्ज शीमन रिएक्शन की ही आधी रिएक्शन आपको अगर आती है तो ये हो जाएगी. यहां पर अगर आपने जैसी अगर आपने डायजोनियम क्लोराइड लिया है और इसकी रिएक्शन आप फिर से जो है फ्लोरोबोरिक एसिड से कराते हैं, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो जो है बाल्ज शीमन रिएक्शन हम फिर से लिख रहे हैं. देखते हैं क्या होता है. यहां पर फिर से क्या बनेगा, जो बाल्ज शीमन रिएक्शन में बना था, एडिशन प्रोडक्ट सेम है, HCl निकल जाएगा. जो मैंने एक्सप्लेनेशन वहां दिया था वही यहां है कि H+Cl के साथ चला जाएगा, HCl बना लेगा और यहां पर N2+ एंड BF4-, ये स्पीशीज बनेगी. अब आपने बाल्ज शीमन रिएक्शन में क्या किया था, देखें, इसको हीट कर दिया था तो फ्लोरोबेंजीन बन गया था. ये स्टेप अब अलग हो जाएगी. यहां तक सेम है बाल्ज शीमन और ये रिएक्शन, बाकी यहां पर आप हीट नहीं करेंगे. यहां आप इसमें सोडियम नाइट्राइट ऐड कर देंगे, NaNO2. सो सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हीटिंग विल गिव यू नाइट्रोबेंजीन. सो द प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी व्हाट, नाइट्रोबेंजीन. साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी एंड यू विल बी गेटिंग NaBF4, राइट. सो बाल्ज शीमन रिएक्शन से ये कैसे अलग हुई, बाल्ज शीमन में आप इतनी रिएक्शन एज इट इज लिखते हैं, यहां आप हीट कर देते हैं तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है, बट यहां आप NaNO2 डाल के हीट करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में, सो यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन. तो अगर आप समराइज करें तो यहां पर टोटल आपने कितनी रिएक्शन लिखी, आपने क्लोरोबेंजीन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, साइनोबेंजीन बनाया, आइसोसाइनोबेंजीन बनाया है, आइडोबेंजीन बनाया है, फ्लोरोबेंजीन बनाया, बेंजीन बनाया, फिनॉल बनाया, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन भी बनाया, राइट. सो
इट कैन बी समराइज्ड, यहां तो मैंने आपको पूरी रिएक्शंस लिख के पढ़ा दिया है, बट इट कैन बी समराइज्ड ऑन वन पेज. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल समराइज ऑल द रिएक्शंस इन वन पेज. ठीक है, यानी ये सारी रिएक्शन सिर्फ एक ही रूट से बनती हैं. सिर्फ आपको रिएजेंट अगर याद है तो आप याद करें इनको, आपको थ्योरेटिकली लर्न करें कि अगर मैं डायजोनियम क्लोराइड में अल्कोहल डाल दूंगी तो बेंजीन बन जाएगा, ऐसे इनको लर्न करें, थ्योरेटिकली लिख के लर्न करें, तो आप रिएक्शन अपने आप लिख पाएंगे, आपको रिएक्शंस मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो आई होप दिस वॉज क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ ऑल दीज. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.